नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप वैश हूँ और मैं पिछले 20 सालों से बतौर न्यूरोसर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगले 5 मिनटों में मैं आपको यह बताऊँगा कि ब्रेन डेथ क्या है। ब्रेन डेथ या न्यूरोलॉजिकल डेथ ऐसा शब्द है जिसे लोग ठीक से समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि ब्रेन डेथ का मतलब है कोमा में चले जाना। यह एनिमेशन आपको विस्तार से बताएगा कि ब्रेन डेथ क्या है और यह किस प्रकार कोमा से काफ़ी अलग है। आइए हम पहले दिमाग की संरचना को समझते हैं। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम। कॉर्टेक्स दिमाग का बड़ा हिस्सा होता है और ब्रेनस्टेम छोटा, जो वास्तव में रीढ़ की नस का ऊपरी भाग होता है। कॉर्टेक्स हमारी अहम गतिविधियों को चलाता है, जैसे पढ़ना, लिखना और बोलना। यदि कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तो इंसान कोमा में पहुंच सकता है। वो होश खो बैठता है, लेकिन कोमा में होने के बावजूद भी वो इंसान दर्द महसूस कर सकता है या किसी हरकत पर प्रतिक्रिया दे सकता है। कभी कभी कोमा में पहुंचे व्यक्ति की चेतना दोबारा लौट भी आती है। किंतु ब्रेन डेथ कोमा से अलग है। इस शब्द का मतलब है कि दिमाग मर चुका है, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम दोनों। ब्रेनस्टेम मानव शरीर का केंद्रीय नर्वस सिस्टम और चेतना का केंद्र होता है। यदि ब्रेनस्टेम मर जाएगा तो सांस बंद हो जाएगी। जब दिल को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो वो भी मर जाएगा और धड़कना बंद कर देगा, और बाकी अंग भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। ब्रेन डेथ कैसे होती है? यदि किसी व्यक्ति को सिर पर बहुत जोर की चोट लगे या बड़ा स्ट्रोक आए तो दिमाग में सूजन शुरू हो सकती है। चूँकि कपाल या स्कल बेहद सख्त हड्डी का बना होता है, इसलिए वो दिमाग को फैलने नहीं देता। डॉक्टर दवा देकर या ऑपरेशन कर सूजन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कामयाबी न मिली तो दिमाग पर दबाव बहुत बढ़ सकता है, जो कि दिल की धड़कन से भी ज़्यादा दबाव होगा। ऐसा होने पर दिल ऑक्सीजन से भरपूर खून को दिमाग में पहुंचाने में नाकाम रहता है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन सेल्स मर जाएंगे। वास्तव में ब्रेन सेल्स एकदम से नहीं मरते, इससे एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे लाइसिस कहते हैं, जिसमें ब्रेन सेल्स गलने लगते हैं। गलने की इस प्रक्रिया के बाद ब्रेन डेथ की स्थिति को फिर से पलटाया नहीं जा सकता। एक बार ब्रेन स्टेम मर जाए तो व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है और दिल के बाकी अंग ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रेन स्टेम की मौत हो चुकी है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में यह तय करने के कई तरीके हैं कि ब्रेन स्टेम मर चुका है या नहीं। एक तरीका है उन न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की जाँच करना जिन्हें ब्रेन स्टेम नियंत्रित करता है। यदि व्यक्ति होश में नहीं है, सांस नहीं ले सकता, निगल और खांस नहीं सकता, पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया नहीं करती, तब ये सभी इस बात के संकेत हैं कि ब्रेन स्टेम की मौत हो चुकी है। भारत में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ऑफ 1994 में कुछ टेस्ट बताए गए हैं जिन्हें 4 डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। ये परीक्षण 6 घंटों के अंतराल पर 2 बार किए जाते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है कि एक ब्रेन डेड मरीज का दिल धड़कता रहे? दिल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ब्रेन डेथ से पहले मरीज को सांस लेने में मदद देने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है और उसके बाद ब्रेन स्टेम मर जाता है। भले ही ब्रेन स्टेम मर चुका हो और फेफड़े काम न कर रहे हों, फिर भी दिल धड़कता रहता है क्योंकि उसे वेंटिलेटर से कृत्रिम ढंग से ऑक्सीजन मिलती रहती है। यदि ब्रेन स्टेम की मौत हो गई हो और बाकी का दिमाग भी मर चुका हो, तो क्या चीज़ दिल को धड़कने का आदेश देती है? दिल दिमाग से अलग है। यह एक ऑटोमेटिक पंप होता है। जब तक दिल को वेंटिलेटर से ऑक्सीजन मिलती रहेगी, वो कुछ समय तक धड़कना जारी रखेगा। ब्रेन डेथ के बाद यदि मृतक को वेंटिलेटर पर रखा जाए तो कितनी देर तक शव का दिल धड़कना जारी रहेगा? दिल कुछ घंटों तक धड़क सकता है, कभी कभी कई हफ्तों तक भी। औसतन दिल 2 या 3 दिनों तक धड़कता है और फिर मर जाता है। ब्रेन स्टेम की मौत का मतलब है कि मृत्यु हो चुकी है और इसे पलटाया नहीं जा सकता, और बाकी सभी अंगों का फेल होना रोका नहीं जा सकता। ब्रेन डेथ के बाद आज तक कोई भी व्यक्ति फिर नहीं उठा है। यदि ब्रेन डेथ का मतलब है कि मरीज मर चुका है, तो मृतक के शरीर में गर्माहट क्यों होती है और वो सोता हुआ सा क्यों लगता है? इंसान मर चुका होता है, लेकिन उसके अंगों जैसे कि दिल को कुछ दिनों के लिए जीवित रखा जाता है, जिससे वो सोता हुआ सा लगता है। किसी अंग को शरीर से बाहर रखकर भी ऑक्सीजन देकर जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन एक बार दिमाग की मौत हो गई तो इसका मतलब है कि इंसान मर चुका है। ब्रेन डेड व्यक्ति दिमाग की मौत से पीड़ित नहीं है, वह मृत है।
जब ब्रेन डेथ की पुष्टि हो जाती है तो मृतक के परिजन इस सवाल से परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तो क्या उसके परिजनों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक दिल धड़कना बंद ना कर दे, या फिर वो यह इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि बाकी लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो अंग दान करना चाहते हैं। यह एक मुश्किल फैसला है और हर परिवार को वह करने का हक है जो वह करना चाहता है।